नमस्कार दोस्तों, मैं अनिरुद्ध गोयता आपका अपने YouTube चैनल किसान डेयरी फार्मिंग में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज की विजिट हमारी लक्ष्य डेयरी फार्म पर है, जिसके ओनर बिट्टू सर को आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं, जो इस फील्ड में काफ़ी अच्छा जो दुधारू नस्ल का पशुधन सेलेक्ट करके लेके आते हैं। बहुत कम पशुधन लेके आते हैं, लेकिन जो भी पशुधन अपने डेयरी फार्म पर लेके आते हैं काफ़ी अच्छा जो सेलेक्ट करके लेके आते हैं। तो उससे पहले जो ये पशुधन है इसके बारे में हम बिट्टू सर से डिटेल से बातें बताएं, पूछें, और उससे पहले मैं इसका जो चेहरा मोरा है, जो इसकी सुंदरता है, वो आप लोगों को ज़रूर दिखा दूँ। तो प्योर मोरा के जो करैक्टर हैं वो इस मोरा पशुधन के अंदर हमें देखने को मिले। और इसके नीचे ये देख सकते हैं आप, जो फीमेल काफ है, जो आगे नस्ल सुधार और अच्छा जो इस माँ का जो दूध उत्पादन है वो भी काफ़ी अच्छा बिट्टू सर ने इसका बताया है। और जो ये सब्सिडी के रूप में जो किसान भाई इस मोरा पशुधन को खरीदेगा उसके साथ ये कटड़ी जाएगी, और अच्छा दुधारू नस्ल की जो कटड़ी है हर कोई जो पसंद करता है। तो सर नमस्कार। नमस्कार। तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो आपके पास ये एक नंबर पर जो मोरा का पशुधन है, तो इसके बारे में हमारे जो किसान भाई हैं तो उनको डिटेल से बातें बताएं कि कौन से टाइम इसने बच्चे को जन्म दिया है, मुंह से कितने दांत है। ये सेकंड टाइम इसने बच्चे को जन्म दिया है, फीमेल काफ है। ठीक है। और 6 दांत में है। तो 6 दांत में है, तो 21 से खाली हुई है। ठीक। इसकी कैपेसिटी 18 से 20 लीटर की। 18 से 20 लीटर जो सर ने बताया है कि ये मोरा का पशुधन दूध निकाल सकता है। और काफ़ी अच्छी जो जानकारी बिट्टू सर ने जो वीडियो शुरुआत करने से पहले जो हम किसान है जिसके पास जाते हैं तो उनसे खास जो मुलाकात करते हैं, बातचीत करते हैं मोरा पशुधन के बारे में, पूरी डिटेल से बातें पूछते हैं, तो उसमें बिट्टू सर ने हमें बताया था कि अगर कोई बायर्स ये कहे कि हम इस पशुधन को ख़रीदना चाहते हैं, 18 लीटर पर ख़रीदना चाहते हैं, तो वो इनके अकाउंट में 10,000 रुपये साइड डलवा कर इस पशुधन को सेलेक्ट कर सकता है और 18 लीटर दूध तैयार होने पर खरीद सकता है। तो सर आप इस बात से सहमत हैं? हाँ, हम बिल्कुल सहमत हैं। ठीक है। तो जो कटड़ी है वो कटड़ी भी मैं आपको दिखा दूं। सर ने बताया है कि अभी अभी जो ये पशुधन खीस से खाली किया गया है तो पूरी तरह है, वो आज रात को खाली होगा सर है? हाँ जी। ठीक। तो जो खीस से खाली होने के बावजूद जो पशुधन की अडर क्वालिटी है वो मुरझा जाती है, और जो जब दूध तैयार करता है पशुधन तो उसी टाइम जो अडर क्वालिटी काफ़ी अच्छी आपको देखने को मिलेगी। तो ग्याबिन जिस टाइम पर ये मोरा का पशुधन ग्याबिन था तो उसकी वीडियो है वो हमारे पास है, तो वो भी हम अब स्क्रीन पर डाल देंगे जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो अडर क्वालिटी है काफ़ी शानदार। तो अभी दोपहर का टाइम है तो 11 बजे देख सकते हैं, अडर क्वालिटी देख सकते हैं। आगे चलाएँ सर, लंबी चला दो, तो देख सकते हैं बिल्कुल छोटे सिंह की 6 दांत, सेकंड टाइमर, और ले आए सर, तो देख सकते हैं सुंदरता है काफ़ी शानदार। तो बिट्टू सर बताएं क्या कुछ रेट आप इस मोरा पशुधन का हमारे जो किसान भाई हैं तो उनसे चाहते हैं? इसका सर प्राइस 1,45,000 रुपये। तो 1,45,000 रुपये सर ने बताया है 18 से 20 लीटर जो इस पशुधन की मिल्क कैपेसिटी बताई है। तो एक और जो मोरा का काफ़ी शानदार पशुधन जो देखने को मिला, तो जो पूंछ है वो थोड़ी सफ़ेद ज़रूर है, लेकिन तो मेरा कहना यही है हमारे जो किसान भाई हैं कि पूंछ की तरफ न जाएं, दूध अच्छा जो दुधारू नस्ल का पशुधन है उसका चयन करें, मोरा का पशुधन आप उसके ऊपर अच्छा सीमन तैयार कर लगवा कर अपने घर पर भी तैयार कर सकते हैं। तो जो दूध की क्वालिटी है वो पशुधन के अंदर ज़रूर होनी चाहिए, तभी हम इस पशुपालन डेयरी व्यवसाय में सफल हो पाएंगे। तो अडर क्वालिटी तो इस मोरा पशुधन की और भी काफ़ी शानदार जो देखने को मिली। तो लंबी चला दें सर एक बार, तो देख सकते हैं अभी, तो बिल्कुल लंबाई है वो काफ़ी शानदार है इस पशुधन की, सींग थोड़ा खुला ज़रूर है। तो बिट्टू सर इसके बारे में भी बताएं क्या कुछ इस पशुधन की डिटेल है। सर ये थर्ड टाइमर है। थर्ड टाइमर। हाँ। ठीक है सर। मेल काफ है। नीचे मेल काफ। हाँ। है। ठीक है। इसकी भी कैपेसिटी वही 18 से 20 लीटर है। 18 से 20 लीटर हो सकता है, 20 से भी ऊपर कर दो। तो 20 से भी ऊपर ये पशुधन तैयार कर सकता है। तो
खीस से खाली हो चुकी है? नहीं हुई खीस से, ये भी सुबह ही खाली हुई है। ठीक है, तो दूध कितना है फिलहाल इसके नीचे? अभी खीस से खाली होने के बाद 12 लीटर दूध है। तो 12 लीटर दूध सर ने बताया इसके नीचे तैयार है, अडर क्वालिटी है, देख सकते हैं दोपहर का टाइम है, तो अभी 4 से 5 घंटे जो इसके चुवाई के रहते हैं उस टाइम लग काफ़ी अच्छा अडर बनाएगी। तो जो नीचे है ये देख सकते हैं मेल काप है। तो और कुछ जो हमारे किसान भाई हैं तो उनको क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? तो आप यहाँ पर अगर कोई बाहर से जो पशुपालक अगर आपका पशुधन खरीदना चाहता है और वहाँ आता है तो रहने ठहरने की क्या कुछ व्यवस्था है? रहने ठहरने के लिए जो भी बाहर से भाई आएंगे वो मेरे पास रुकेंगे। ठीक है, 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम जब भी उनका मन करे उतने टाइम अपना दूध कांटे पे तोल गए। ठीक है, जब पशु को खरीदें। ठीक है, तो इसका क्या कुछ रेट बताया सर आपने? इसका रेट 1,30,000 रुपये। तो 1,30,000 रुपये में जो सर ने इस मुरा पशुधन को जो सेल के लिए जो उपलब्ध करवाई है, तो मुरा की कैटेगरी से तो मैं ज़रूर बाहर कहूँगा। तो पूंछ की तरफ न जाएं, दूध की तरफ जाएं और अच्छा पशुधन अपने घर पर लेके जाएं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। तो बीटू सर का जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो हम स्क्रीन पर डाल देंगे। तो धन्यवाद दोस्तों।